हमने यहाँ पर आधा कप समा के चावल लिए हैं। समा के चावलों को आप व्रत में खा सकते हैं और ये आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएंगे। अब इनको हम 15 मिनट के लिए पानी में भिगो देंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं और ये जो समा के चावल हैं वो अच्छे से फूल गए हैं, तो अब हम इनको 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी में धो लेंगे। हमने इनको साफ पानी में अच्छे से धो लिया है। एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हम ये समा के चावल डाल देंगे। 3/4 कप पानी डालेंगे, कुकर का ढक्कन लगाएंगे, गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पे रखेंगे और इनको 2 सीटी आने तक पकने देंगे। कुकर में 2 सीटियां आ गई हैं, अब हम गैस को ऑफ करेंगे और कुकर को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। कुकर बिल्कुल ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं कि चावल अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अभी ये थोड़े ठंडे हो गए हैं तो अब हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें डालेंगे। 2/3 कप उबला और मैश किया हुआ आलू, 1 छोटी चम्मच जिंजर चिली पेस्ट, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच नींबू का रस, 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच जीरा, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीज़ों को हम हाथों से ही अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो अब हम इसे टिक्कियां बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे और दोनों हाथों के बीच में अच्छे से रोल करेंगे। अब इसको इस तरीके से हल्के हाथ से दबाकर टिक्की का शेप देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया टिक्की बनी है। इसको हम प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से हम बाकी की टिक्कियां भी बनाकर तैयार करेंगे। हमने सारी टिक्कियां बना ली हैं, अब हम इनको सेक लेंगे। टिक्कियों को सेकने के लिए कढ़ाई में तेल लेंगे। तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें टिक्कियां डालेंगे। आप इस चीज का ध्यान रखें कि इन टिक्कियों को सेकने के लिए तेल बढ़िया गरम हो, वरना ये टिक्कियां तेल में ही टूट जाएंगी। 2 से 3 मिनट के लिए इनको बिल्कुल भी ना छुएं, जिससे कि ये एक तरफ से हल्की सी पक जाएंगी और पलटते टाइम टूटेंगी नहीं। 3 मिनट बाद अब हम इनको पलटेंगे और टिक्कियों को बढ़िया गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक दोनों तरफ से सेकेंगे। इनको बीच बीच में हल्के हाथ से पलटते हुए सेकें, जिससे कि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। टिक्कियां अच्छे से सिक गई हैं, तो अब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया और करारी करारी टिक्कियां सिकी हैं। इनको हम एक प्लेट पर टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे और बाकी बची हुई टिक्कियों को भी आप इसी तरीके से सेक लें। हमारी करारी करारी और बहुत ही स्वादिष्ट समा के चावल की टिक्कियां बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे व्रत में बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये जल्दी बन भी जाती हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। आप इन टिक्कियों को दही, चटनी या फिर किसी भी फलहारी चटनी के साथ खा सकते हैं। हम पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे, गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, गैस को मीडियम लो कर देंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे, जिनको कि हमने लंबा लंबा काट कर लिया है। 10 से 15 करी पत्ते डालेंगे। अच्छे से दोनों चीजों को घी में मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 कप मखाना डालेंगे। बीच बीच में चलाते हुए हम मखानों को बढ़िया क्रिस्पी होने तक भून लेंगे।
मखाने अच्छे से भुन गए हैं और ये बढ़िया क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको एक बोल में निकाल लेंगे। वापस से पैन में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें 1/2 कप किशमिश डालेंगे। किशमिश को हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि सारी किशमिश फूल गई है, इसका मतलब कि ये अच्छे से भून गई है। तो अब हम इसको भी एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप बादाम डालेंगे, 1/4 कप काजू डालेंगे। इनको भी हम बीच बीच में चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। बादाम और काजू भी अच्छे से भून गए हैं और इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब हम इनको भी एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम पैन में लंबे टुकड़ों में कटा हुआ नारियल डालेंगे। इसको भी हम बीच बीच में चलाते हुए कलर चेंज होने तक भून लेंगे। नारियल को भूनने के लिए बहुत ज्यादा घी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत ही कम घी में बहुत ही अच्छे से भून जाता है। नारियल का कलर भी चेंज हो गया है। इसको भी हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब ये जो पैन में थोड़ा सा घी बचा हुआ है, इसी में हम 1/2 कप मूंगफली को भी भून लेंगे। इनको हम बीच बीच में चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। आप चाहें तो मखानों को छोड़कर बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। नमकीन बनाने के लिए मखाने काफी घी सोखते हैं और डीप फ्राई करने से उनमें घी भर जाएगा तो उनका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसलिए मखानों को डीप फ्राई ना करें, बल्कि उनको कम घी में ही भूनकर तैयार करें। मूंगफली भी अच्छे से भुन गई है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इनको भी बोल में निकाल लेंगे। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को नमकीन बनाने के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम इनको हल्का ठंडा होने देंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स हल्के ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लेंगे, जिससे कि बाकी की चीजें हम इसमें अच्छे से मिक्स कर सकें। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। 1/2 छोटी चम्मच के बराबर काली मिर्च पाउडर डालेंगे। काली मिर्च पाउडर को भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। इससे नमकीन में थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा, जिससे कि ये खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेगी। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी बढ़िया ड्राई फ्रूट नमकीन बिल्कुल तैयार है। आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये नमकीन खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और चाय के साथ खाने में ये और भी ज्यादा अच्छी लगती है। आप इसे व्रत में और व्रत के अलावा कभी भी बड़ी आसानी से बनाकर खा सकते हैं। तो आप इस नमकीन को नवरात्रों में बनाइए।